हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एई सिविल का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर जो है 2016 का है, सीरीज बी। स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम टाइम है वो 2 आवर्स का, और मार्क्स जो है 100 हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट। यहाँ पर आपको यूनिट प्रोसेस दे रखी है कि इनको जो है अरेंज करना है एक ऑर्डर में, जैसे जैसे हम वाटर को ट्रीट करते जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद हम रैपिड मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद फ्लॉकुलेशन, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, उसके बाद रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन, और उसके बाद लास्ट में जो हम हैं वो क्लोरीनेशन करते हैं। किसी भी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में लास्ट में क्लोरीनेशन की जाती है। सेकेंड जो क्वेश्चन है, इसमें मैच लिस्ट और मैच लिस्ट 2, ये हमें मैच करनी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एलम इज़ डिटरमाइंड बाय, तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं जार टेस्ट मेथड से। और जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ अचीव्ड बाय, तो ये आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट मेथड से होती है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ डिटरमाइंड बाय बिंकलर टेस्ट मेथड। सीवेज ट्रीटमेंट इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज़ एकम्प्लिस्ड बाय एल्गल बैक्टीरियल सिम्बोसिस मेथड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ए ग्रिड चैम्बर ऑफ डायमेंशन 12 मीटर बाई 1.5 मीटर 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हैज ए फ्लो, यहाँ पे 720 m³/h। हमसे जो पूछ रखा है वो पूछ रखा है सरफेस लोडिंग रेट और डिटेंशन टाइम। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, जो हमारे पास सरफेस लोडिंग रेट का फॉर्मूला रहता है वो रहता है फ्लो डिवाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमें वो दोनों दे रखे हैं, हमने वैल्यू पुट की और सॉल्व कर लिया। उसके बाद डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम डिवाइड बाय फ्लो। वॉल्यूम हमने कर लिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और नीचे फ्लो को डिवाइड करके हमारे पास आ गया 1.2 मिनट। और जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। जब आप उसको लीटर्स में देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ए सर्टेन वेस्ट हैज ए बीओडी ऑफ 162 mg/L एंड इट्स फ्लो इज 1000 m³/d। द डोमेस्टिक सीवेज हैज ए बीओडी ऑफ 80 g/c देन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द वेस्ट वुड बी। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। पहले तो हमने निकालेंगे डेली बीओडी कंट्रीब्यूटेड बाय वेस्ट क्या रहेगा, फिर उसके बाद पॉपुलेशन इक्विवेलेंट में क्या करेंगे कि जो हमारे पास डेली बीओडी कंट्रीब्यूटेड आया उसको डिवाइड कर देंगे डोमेस्टिक सीवेज जो ग्राम पर कैपिटा है उससे, तो हमारे पास आ जाएगा 2025। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। इसमें भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी बॉडी में जाके सबसे पहले आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करती है। पार्टिकुलेट मैटर की वजह से रिडक्शन इन विजिबिलिटी होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक होती है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 footing बन सर्कुलर एंड अदर स्ट्रिप आर फाउंडेड ऑन द सरफेस ऑफ प्योरली कोजनलेस सॉइल। डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग एंड ब्रेथ ऑफ स्ट्रिप फुटिंग इज सेम देन द रेशो ऑफ अल्टीमेट बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर टू स्ट्रिप फुटिंग। ठीक है, इसको मैंने इस तरह सॉल्व किया है। मैं क्वेश्चन लेस है तो सी की वैल्यू 0, डायमीटर सेम है तो डी को भी 0 मान लो। इस तरह से हमने इसकी रेशियो निकाली 0.3 γ β n γ डिवाइड बाई 0.5 n γ। ये जो है स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, डिवाइड किया 3/5 0.60। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इफ़ ए सॉइल इज हैविंग लिक्विड लिमिट ऑफ 65% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ 50% द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। तो देखिए सबसे पहले आईपी ऑफ सॉइल हमें 50% दे रखा है। आईपी ऑफ ए लाइन निकाल लेंगे हम, जिसका फार्मूला रहता है 0.73 WL-20। तो यहाँ से हमने हमारे पास 32.85 आया, तो आईपी ऑफ सॉइल ग्रेटर है आईपी ऑफ ए लाइन के। और यहाँ पे दे रखा है हमें कि हमें लिक्विड लिमिट जो है 50% दे रखी है, तो ये हमें बता रहा है कि ये हाई होगी और क्ले होगी, तो हाई प्लास्टिक क्ले है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 का, हाई प्लास्टिक क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सैचुरेटेड सैंड कैन एग्जिबिट एन एंगल ऑफ शीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, स्टडी द स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो, एरिया रेशियो शुड बी लो, कटिंग एज शुड बी थिक, आउटसाइड क्लीयरेंस शुड बी लो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1 और 3। और नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है पाइल का, जिसमें आपको 12 मीटर लॉन्ग पाइल है, 250 mm डायमीटर की है। उसके बाद हमें अनडेंसी स्ट्रेंथ दे रखी है, यहाँ पे थोड़ा एरर है, ये 30 नहीं, जो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर की के हिसाब से जो राइट आंसर दे रखा है उसमें अनडेंसी स्ट्रेंथ जो 60 होगी तब जाके सही आंसर आएगा। और एडहेशन फैक्टर में 0.9 दे रखा है, हमसे पूछे अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ ऑल पाइल्स, इसको मैं इस तरफ सॉल्व करेंगे, अल्टीमेट कैपेसिटी एडहेशन फैक्टर सी पाई डी एल, 0.9 एडहेशन फैक्टर में दे रखा है, क्यू यू डिवाइड बाई 2 इंटू पाई डी एल, फिर वैल्यू पुट करके हम एक पाइल की निकाल लेंगे, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2290 किलो न्यूटन हमारे पास आ जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी।